हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक चीज़ सैंडविच, इसे गार्लिक ब्रेड भी कहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पर 8 कलियाँ ली हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सैंडविच बना रही हूँ, उसके लिए 8 कलियाँ लहसुन की बहुत हैं। एक हरी मिर्ची ली है, इसे भी हमें चॉप करना है, इसलिए हमने इसे चॉपर में डाल दिया है। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हमें डालना है और हम इन तीनों को अब चॉप कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है, देखिए। अब हमने एक क्लीन बाउल लिया है, उसमें हमने इस पेस्ट को डाल देना है और इसमें 1 टेबलस्पून हमने बटर डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है। अब इन्हें अच्छे से मिला के मुझे इसका पेस्ट बनाना है। अब हमने 2 स्लाइस ली हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। नॉर्मली जो हम सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड लेते हैं, आप चाहें तो कोई और सैंडविच ब्रेड भी ले सकती हैं। और मुझे इसमें जो हमने गार्लिक पेस्ट बनाया था उसका 1/4 एक स्लाइस पर स्प्रेड कर दिया है, दूसरा 1/4 मैंने दूसरी स्लाइस पर स्प्रेड किया है। इसे हमें अच्छे से कोनों में भी अच्छे से स्प्रेड करना है। अब हमें एक चीज़ स्लाइस लेनी है और उसे इसके बीच में रख देना है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चीज़ क्यूब को भी आप थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कीजिए। अब 1/4 मैंने फिर से पेस्ट लिया है और उसे सैंडविच के ऊपर इस तरह से स्प्रेड किया है। तवा थोड़ा सा गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने उसे नीचे पेस्ट वाले साइड को रख दिया है और ऊपर से मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। और जो हमारा बचा हुआ गार्लिक पेस्ट है उसे भी हम दूसरी तरफ लगा देंगे। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल तवा लिया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक भी ले सकते हैं, पर इसे नॉर्मल तवे पर बनाना और ज़्यादा इजी होता है और वो जल्दी बन जाता है। इसे भी हमें अच्छे से कोनों में स्प्रेड कर देना है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर तब तक सेकेंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो गाइज, ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे एक थम्स अप दीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जितना हो सके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।